लॉकडाउन में अपना अपना काम छोड़कर शहरों से गांवों की ओर पलायन कर चुके मजदूरों के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में शासन के निर्देश अनुसार अपने गांव लौटे मजदूरों को वहीं पर रोजगार देने के प्रयास में प्रशासन जुट गया है, जिसके चलते जिले में अब तक 5,045 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है। अन्य मजदूरों को भी चिन्हित कर रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले की 425 ग्राम पंचायतों के मजदूर लौटकर अपने अपने घरों में आ चुके हैं, जिनमें से 356 ग्राम पंचायतों के 5,045 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। जनपद में मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को क्या सेवा मुहैया कराई जा रही है? कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण तमाम प्रदेशों से जो प्रवासी मजदूर हैं ये ज़िले में आ रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ उनका काम बंद हो गया था, यहाँ आए हैं, तो आवश्यक है कि यहाँ उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए। तो अभी तक हमारे यहाँ कुल लगभग 425 गांव पंचायतें ऐसी हैं जहाँ हमारे प्रवासी मजदूर आ गए हैं। उनमें से 356 गांव पंचायतों में हम लोगों ने नरेगा का काम शुरू करा दिया है, और अब तक हमारे कुल करीब 5,045 लोग काम पर लग गए हैं, और 2,043 लोगों का हम लोगों ने जो बाहर से आए हैं उनका नया जॉब कार्ड बनवा दिया है, और बहुत जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि हमारी सभी गांव पंचायतों में नरेगा का काम शुरू हो जाएगा, और जो भी लोग आए हैं यथासंभव सबको किसी न किसी जॉब से जोड़ा जाएगा। सर, जनपद में आश्रय स्थल की क्या स्थिति है? जनपद में हमारे करीब 85 आश्रय स्थल चयनित किए गए थे, और जिसमें लोग पहले कुछ जगहों पर क्वारंटाइन रहे हैं। आज की डेट में क्योंकि जो भी हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम जनपद के ज्योति क्रिस्टू जो हमारा कॉलेज है उसमें हम सबको रोकते हैं, और वहीं हम सबकी स्कैनिंग कराते हैं, उनके डाटाबेस बनवाते हैं, उनकी मैपिंग कराते हैं, और फिर उसी कॉलेज से हम सबको उनके घरों पर क्वारंटाइन के लिए भेजते हैं। अगर किसी में कोई किसी तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फिर हम उनको क्वारंटाइन के लिए भेजते हैं और उनकी सैंपलिंग कराते हैं। रेस्ट हमारा तीनों तहसीलों में एक एक सेंटर आश्रय स्थल ऐसे हैं कि जैसे कोई हमारा मजदूर किसी प्रदेश का हो, कहीं का हो, अगर लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस